नमस्कार दोस्तों, MCG एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, RPF के ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं। लगातार अपडेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। ये वही भी जस्ट अभी एग्जाम सेंटर से निकले हुए हैं, तो इनका भी ट्रेड टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आसानी से सुनिएगा किस प्रकार से इनका ट्रेड टेस्ट हुआ और क्या क्या इनसे पूछा गया। ओके, और प्रत्येक एक्सपीरियंस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और भाइयों से निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों को ही मुझे सपोर्ट करना होगा। ओके, तो आप लोग इसको पूरा ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप्स में और आप RPF के जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिएगा। और हाँ, एक सूचना, ग्रुप डी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, और जितने भी बंदे हैं उन सभी से एक मैं बात बात कहना चाहूँगा। RPF ट्रेड टेस्ट का नीचे जो चैनल क्रिएट किया गया है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे से जो कोई भी अपडेट होगा RPF का उसी चैनल पर आप लोगों को उपलब्ध होगा। जो आप लोगों के पंजाब के जब से 1 तारीख से शुरू हो रहे हैं, जितने भी बंदे पंजाब के हैं उसी चैनल पर अपना अपडेट मिलेगा। अब इस चैनल पर आप लोगों को जल्द से जल्द में अकेडमिक क्लासेस शुरू करने वाले हैं, तो इस पर ऑफ कर दिया जाएगा, तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं MCG अकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, बोले सर, थोड़ा आपका जो है RPF का ट्रेड टेस्ट हो गया ना क्लियर? सर हो गया। सर जो है आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया, सर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे आप? हाँ सर, बिल्कुल चाहेंगे। तो आप बताइए सर, किस प्रकार से क्या क्या हुआ सर वहाँ पर अपने बंदों को, जो आपको बहुत लोग सुनने वाले हैं, आपको पता है सर? हाँ हाँ सर, तो बताइए सर। सर मैं सुपर से उधर, और हाँ, मेरा ट्रेस्ट था 20 तारीख को। 20 तारीख को? हाँ, दिल्ली में था, दिल्ली सराय रोहिला में। हाँ सर, तो हम सब 5:30 बजे पहुंचे, ठीक है। हाँ, और सभी थे, मतलब वहाँ पे और भी बंद था पहले से ही, तकरीबन 400-450 बंद थे पहले से ही। हाँ, तो फिर 5:30 बजे से उन्होंने अंदर लिया सबको। हाँ, पहले तो एक एक करके सर थोड़ा ऐसी जगह पहुंची जहाँ से आवाज क्लियर आ सके। सर हेलो, सर थोड़ा ऐसी जगह पहुंचिए सर जहाँ से आवाज क्लियर आ सके। सर आपकी जो है आवाज कट रही है सर। हाँ सर, बोलिए, आप बोल रहे हो? आप बोलिएगा सर, थोड़ा दोबारा बोलिए, क्योंकि आपकी आवाज कट रही थी सर। हाँ सर, पहले हम 5:30 बजे वहाँ पे पहुंचे, तो पहले वहाँ पे जाके देखे, पहले से ही 450 बंदे थे, तकरीबन 400-450 बंदे पहले ही था वहाँ पे लाइन पे। हाँ सर, ठीक है, लेकिन सर लाइन का कोई इशू नहीं वहाँ पे, मतलब बहुत भीड़ हो रहा था। तो मतलब तकलीफ हो रहा था सबको, इसलिए सबको अंदर ले लिया पहले ही एक साथ ही, ठीक है। अंदर लेके फिर बिठा दिया हम सबको, फिर सबको कार्ड मतलब चेक करके अंदर, फिर वहां पे जाके फिर ग्राउंड में बिठाया। बिठाने के बाद बोल रहा था कि हम लोग जो मतलब पीईटी किए थे ना सिकंदराबाद पे, वो पीईटी का बैच मतलब बैच नंबर और कौन सी डेट से किए थे पीटी की। अच्छा। उसका डेट हाथ पे लिख कर बोला था, ठीक है। हाथ पे फिर सब लोग हाथ पे लिखे, और उसके बाद 20-20 लड़कियों को मतलब लड़कों को बैच बैच करके अंदर ले रहा था बायोमेट्रिक के लिए। अच्छा। तो बायोमेट्रिक के लिए लिया, तो फिर वहां पे जाके बायोमेट्रिक करवाया। बायोमेट्रिक सर, बायोमेट्रिक में क्या करवाया सर? ग्राउंड। हेलो। हाँ सर, बायोमेट्रिक में क्या क्या करवाया सर, कोई पूछना चाह रहा हूँ। सर थोड़ा एक जगह क्लियर खड़े हो जाइए सर, आपका जो है आवाज कट रहा है सर, बार बार थोड़ा थोड़ा कट जाता है सर। बोलिए। हाँ, ये बताइए जो है आपका बायोमेट्रिक में क्या करवाया सर? हाँ सर, बायोमेट्रिक में क्या करवाया गया ये पूछ रहा हूँ सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर बोलिएगा। हेलो। हाँ हाँ बोलिएगा सर, बोलिएगा। हाँ, सिर्फ बायोमेट्रिक के लिए सिर्फ आधार कार्ड चाहिए, ठीक है। हाँ सर, उसके बाद बायोमेट्रिक के बाद हम लोगों को सबको मतलब बिठा दिया बैच बैच करके लोगों। हाँ तो बिठाने के बाद 20-20 लड़के को अंदर ले रहा था, और अंदर ले
ले जाने के बाद 10-10 लड़के तो रूम में ले रहा था ड्रग टेस्ट करके, और हम लोगों से सिर्फ झाड़ू मारने के लिए बोला गया, सिर्फ झाड़ू मारने के लिए बोला गया, और हम लोगों ने सिर्फ झाड़ू मारे सब 10। फिर और कुछ नहीं पूछा, मतलब पूछ रहा था क्या, मतलब क्वालिफिकेशन क्या है इसके बारे में पूछ रहा था, और नहीं कुछ पूछा, और कुछ नहीं पूछा, और कुछ नहीं पूछा, और एक बात पूछ रहा था कि मतलब पहले कभी की हो कि नहीं, ये सब पूछ रहा था। मींस जो कुछ भी था, हाँ मींस जो कुछ भी उन्होंने पूछा वो आपका, एक बात बताइएगा, मतलब उन्होंने जो कुछ भी आपसे पूछा था वो आपके समझ से बनता है कि मतलब क्या क्या पूछा गया था आप ये बताइएगा सर। पहले हम 10 लोग अंदर गए और पूछ रहा था कि आपका अपना नाम बताओ, नाम बताए, ठीक है, और पूछ रहा था कि तुम जो हॉस्पिटल के लिए अप्लाई किए हो तो पहले कभी किए ये सब काम, और मतलब कोई कोई बोल रहा था हाँ सर मैंने किए, मैंने किया, मैंने किया, अच्छा ठीक है, सब लोग बोलने के बाद बोला ठीक है, पांच मतलब पांच फूल 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 वाला झाड़ू होता है ना, फूल झाड़ू फर्श साफ करने वाला। हेलो, बोला कि पांच लोगों के फूल और तो पहले तो पांच ने झाड़ू मारे, फिर दूसरे पांच पांचों ने जो झाड़ू मारा और कुछ नहीं बोला, बोला कि अच्छा ठीक है तुम लोग हो गए तो बाहर चले जाओ, फिर बाहर बाहर लेके हम लोगों को दिखाया। सर आपका एकदम क्लियर नहीं आ रहा है सर, थोड़ा सा और जवाब दीजिए सर। आप बोलिए, आप बोले, आप पूछिए, मैं बोलता हूँ। हाँ सर आप क्या है कि थोड़ा सा मतलब क्लियर जगह जाइए, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है एक तो सर। अरे मैं दिल्ली में ही हूँ अभी, मेट्रो स्टेशन के पास, इधर नेटवर्क नहीं मिलता। अच्छा सर अभी तक आप घर नहीं पहुँचे कल से मतलब? नहीं मेरा ट्रेन आज शाम को है 5:30 बजे। हाँ तो मैं दिल्ली में घूम रहा था तो आपने फोन किया। हाँ तो बताइए सर किस प्रकार से क्या क्या हुआ, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भाई सिर्फ झाड़ू मरवाया और कुछ नहीं करा, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं किया हम लोगों, और कुछ नहीं किया, और हमारे जो अगल वाला बैच था उनसे पूछा गया कि फिनाइल, मतलब फिनाइल विनाइल था ना बोतल पे, दिखा के मतलब बोला गया कि बोलो इसका नाम क्या है, और एक होता है ना ऑटोनिल, ऑटोनिल होता है ना ऑटोनिल, वो भी था, बोल रहा था कि बोलो इसका नाम क्या है, मतलब इसका काम क्या है, ये सब पूछ रहा था वो। और एक ही बात है कि हार्डली एक बैच में से सिर्फ एक या दो बंदे ही पास कर रहे हैं, हार्डली ज्यादा तो एक ही बंदे पास कर रहे हैं, मतलब रियलिटी है जो और बच्चे बोल रहे हैं उसके लिए सर। हाँ सर और बच्चों का, कुछ बच्चों का कहना है सर घपला चल रहा है ऐसा कुछ? वैसा तो मुझे कुछ नहीं दिखा है घपला चल रहा है, वैसा कुछ नहीं देखा मुझे। तो यही तो बात है सर, कुछ बंदों का क्या है सर कि मतलब जो है ऐसा कहना होता है कि नहीं वो क्या सिलेक्ट नहीं होते हैं तो उनका कहना कुछ और होता है। नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं देखा मुझे, अगर मुझे दिखता तो मैं बोलता आपको ये घपला हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं देखा मुझे। वही तो आप सर, यही तो मैं बोल रहा हूँ सर, कुछ बंदों का अलग कहना होता है, कुछ बंदों का अलग कहना होता है, यही सब कुछ तो जानना है। हाँ अगर किसी को लगता है कि हो रहा है तो वो तो बोल नहीं सकते। बिल्कुल है सर, क्यों नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे नहीं दिखा। फिर देर या 2 घंटे बाद मतलब रिजल्ट आया हम लोगों का, और बोला कि एक ही बंदे ने पास किया है, हमारी बैच था, मेरा बैच था 12 नंबर, ठीक है। बोला कि एक ही बंदे ने पास किया तो फिर बाकी 19 बंदे घर चले जाओ, फिर हम लोग चले आए। तो आपका क्वालिफाई नहीं हुआ सर? नहीं नहीं मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ सर, हम लोगों से बोला कि सिर्फ झाड़ू मारो, तो झाड़ू मतलब मैंने तो सोच रहा था कि पूछेंगे कोई इसका नाम क्या है, इसका काम करो या फिर करके दिखाओ प्रैक्टिकल, कोई भी फर्श फर्श साफ करके दिखाओ फिनाइल से या कुछ भी से, वो सब कुछ नहीं किया हमारे साथ, सिर्फ बोला कि झाड़ू मारो, झाड़ू मारने से क्या मिलता है, तो झाड़ू मारा, बोला कि ठीक है बाहर चले जाओ, बाहर भेज के। ऐसा है सर आपका कहना, ये भी आपका कहना बिल्कुल ही सही है सर, इसमें भी अपन क्या कर सकते हैं। क्या लिया ट्रेड टेस्ट, कुछ समझ नहीं आया कैसे पास कर रहा है कैसे नहीं पास कर रहा है सर। जो है आप कुछ अपने बंदों को कुछ कहना चाहोगे, कुछ मोटिवेशन कुछ?
एक ही बात बोलेंगे कि जाओ रिलैक्स करके जाओ, अंदर कोई टेंशन नहीं है, अगर होना होना है तो ऐसे ही हो जाएंगे, नहीं होना है तो प्रेशर फिर मत कुछ भी लेना। करके जाओ और तो भी नहीं होना नहीं। तो नहीं, अगर नहीं होना है तो वैसे भी नहीं होंगे, प्रेशर मतलब कोई ऐसे ही चले जाओ। और एक बात थोड़ा मतलब जान के जाओ कि इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, ये सब तो सीख के जाओ थोड़ा। अगर आपसे पूछ लिया कि बोलो इसका नाम क्या है, अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आप वैसे भी बाहर हो जाओगे, अगर आपने मतलब जवाब दे दिया तो फिर आपका चांस मतलब होता है सही या ठीक है, अगर हो सकता है तो हो सकता है ऐसा वाला। यही है मतलब आपको कहना। थोड़ा जानकारी तो लेके जाना ही चाहिए, जितना भी हो सके थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना ही चाहिए। हाँ नॉलेज तो होना ही चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सर। आप अपने भाइयों को नॉलेज थोड़ा वो होना कुछ चाहिए सर मोटिवेट वैसे। हाँ नॉलेज होना चाहिए सर, मोटिवेट करिए था, थोड़ा कुछ कहिए जैसे उनका शायद हो सके। हाँ क्या बोलो, मैंने चाहे बंदे से थोड़ा सीख सकते जाए कैसे झाड़ू बारू मारते, बाहर झाड़ू फूल झाड़ू कैसे मारते, तो मतलब कैपेसिटी मतलब देखते हैं कि बंदा कितना मतलब टेक्निकली कितना ठीक है, सब देखते हैं ठीक है। अगर आपने सही तरह मार दिया तो सर तो फिर ठीक है, तो फिर आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपने जल्दी जल्दी किया और उल्टा पुल्टा कर दिया तो आप कैसे भी नहीं पास होंगे। मतलब झाड़ू में मतलब भी रिक्स है। थोड़ा ही करे लेकिन अच्छा करे, अगर कुछ मतलब बोले तो क्या मतलब करने के लिए ज्यादा नहीं करना चाहिए, थोड़ा ही करना चाहिए लेकिन अच्छे से करे, ठीक ठाक से करे तो फिर अगर कोई चांस होता है। हाँ सर। हाँ एक ही दिन में 50 या 55 40 45 ऐसा कुछ बच्चे पास कर रहे हैं और कुछ नहीं। फुल डे 45 अराउंड बच्चे जो है क्लियर कर रहे हैं ना। हाँ सर। पूरे दिन में कितने बच्चे पास हो रहे हैं लगभग? 50 के आसपास हो रहा है। सर फिफ्टी और के कुछ आप आसपास कहना चाहोगे सर बंदों से? हाँ? और कुछ कहना चाहोगे सर? और कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस थोड़ा सीख सक के जाए तो फिनाइल का मतलब फिनाइल कौन सा फिनाइल है, कौन सा मतलब तो एसिड होता है, एसिड की कौन सी काम पे आता है, ये सब थोड़ा जानकारी लेके जाए तो फिर बेहतर होगा। अगर ऐसे ही चला जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा। यस सर, ये आपका कहना बिल्कुल सही है सर। थोड़ा जानकारी तो लेकर जाना चाहिए ना। हाँ कुछ ना कुछ जुड़ जुड़ अगर कोई नहीं पूछते तो फिर तो प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा ऐसा। हाँ अगर कुछ पूछता है तो फिर पूछेंगे ही, अगर कुछ मतलब प्रैक्टिकली करना पड़ेगा तो फिर सिर्फ प्रैक्टिकली करना पड़ेगा और कुछ नहीं। हाँ ये भी सही है, पूछने वाली चीजें कुछ समझ में आती नहीं है। प्रैक्टिकली भी करना पड़ेगा, अगर कुछ पूछता है तो फिर मतलब प्रैक्टिकली ज्यादा नहीं चल पाते, अगर कुछ पूछता है अगर कुछ मतलब प्रैक्टिकली एक बार करवा दिया तो फिर नहीं होगा, और मतलब पूछेगा नहीं अगर और अगर पहले से ही मतलब बोल दिया कि ठीक है तुम फास्ट साफ करो तो फिर सिर्फ फास्ट ही साफ करना पड़ेगा और कुछ पूछेंगे नहीं। मुझे ऐसा लगता है, नहीं पूछ रहा था हम लोगों से बोला कि सिर्फ झाड़ू मारो, तुम उन्होंने सिर्फ झाड़ू मारा बोला ठीक है हम लोगों को अब पास चले जाओ, कुछ भी नहीं पूछा हम लोगों से, कुछ भी नहीं पूछा। सामने था बहुत ऑटो नहीं, एसिड वगैरह हार्पिक वगैरह सब कुछ था, टॉयलेट नहीं था, सब कुछ था, बस होता है ना बाहर झाड़ू फूल झाड़ू ब्रश ब्रश सब कुछ था। हाँ। तो किसी से भी नहीं पूछा कि बोलो इसका काम कैसे होता है, किसी ने नहीं पूछा। फोन ले रहा है उनका कैपेसिटी है अलग से कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, जो उन्होंने अच्छा समझे वो ही किया। सर आप और कुछ कहना चाहते हो सर? और कुछ नहीं कहना चाहते, बस जाए दिल खोल कर करे जो भी करने के लिए बोले और कुछ नहीं। प्रेशर मतलब अगर वहाँ पे जाके थोड़ा प्रेशर ले लेना तो अगर थोड़ा ऐसा कुछ कर दिए उल्टा पुल्टा तो उनको तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। हाँ ये भी आपका कहना सही है। कॉन्फिडेंट रहे थोड़ा, नर्वस नहीं होना बिल्कुल। ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने अपना कीमती समय दिया भाइयों को।